చల్లా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. उसके बाद बताया गया कि जो ईमान लाकर नेक अमल करते हैं और जो हक की वसीयत करते हैं, सब्र की वसीयत करते रहते हैं एक दूसरे को, वो नुकसान से बच जाते हैं. एक मुकाम पे रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, औधु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम थुम्मा रददनाहु असफला साफिलीन. बेशक हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाल के पैदा किया, फिर हम उसको बदतरीन बस्ती की तरफ ठकेल देते हैं. अब इसकी तफसीरें जो भी की गई हैं, एक एक आयत की कई कई तफसीरें होती हैं, यहाँ पर इस इन मुबारक आयतों की तफसीर हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने अपने मशहूर ज़माना शोहरा याफा मौज़ने इल्म मादन मारिफत किताब सिर्रुल असरार व मज़हरुल अनवार फ़ीमा यख्तदु इलैहिल अबरार में इसकी तफसीर इरशाद फरमाते हैं कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन पैकर में ढल कर पैदा किया है, बेहतरीन सांचे में ढल कर पैदा किया है, शक्ल सूरत के अतबार से, हैत के अतबार से, वज़ा ख़ता के अतबार से, स्ट्रक्चर के अतबार से हमने इंसान को बेहतरीन अंदाज में पैदा किया. इसकी अमूमी तफसीर तो यही है कि इंसान को जो खद्दो खामत दिया गया, इंसान को जो सांचा दिया गया, जिस ढांचे में इंसान का जिस्म फैला गया, जिस पैकर में इंसान के जिस्म की तश्कील की गई और इंसान के जिस्म का जो स्ट्रक्चर बनाया गया वो बेहतरीन स्ट्रक्चर है, आसान तकवीम है. एक तफसीर तो उसकी मशहूर तफसीर तो यही है, उसकी राज़ तफसीर तो यही है. लेकिन अब आरिफाना तफसीर और आप सुने होंगे इस ज़मन में, शायद अगर सुने हैं तो आपको मालूम होगा कि सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के दौर में एक बादशाह ने कसम खाई थी कि अगर मेरी बीवी चांद से ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो तो उस पर तलाक़ है. मसला उलमाए वक्त के सामने पेश किया गया, वो लोग जवाब दे नहीं सके. इमाम अहमद बिन हम्बल के सामने जब मसला पेश किया गया तो फलां शख्स ने कहा अपनी बीवी से कि तू चांद से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है तो तुझ पर तलाक़ है. तो तलाक़ वाक़ हुई कि नहीं हुई, तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने सुनते ही आयत मुबारक की तफसीर की और फरमाया कि तलाक़ इसलिए वाक़ नहीं हुई कि चांद को अहसन तकवीम में पैदा नहीं किया गया, इंसान को अहसन तकवीम में पैदा किया. लिहाजा कुरान मजीद की आयत से साबित होता है कि उसकी बीवी चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत है, लिहाजा उस पर तलाक़ वाक़ नहीं हुई. दलील में कुरान मजीद की आयत को पेश फरमाया. लेकिन हमारे सरकार, हमारे वली आखा नेमत सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने इसकी दूसरी तफसीर, देखो वो तफसीर तो साबित है अपनी जगह, एक आयत की एक दो तीन चार पाँच दस चालीस पचास तफसीर अगर बयान की जाए तो हर तफसीर साबित होती है. इसका ये मतलब नहीं कि ये तफसीर है तो तफसीर नहीं है, ऐसा नहीं. एक एक वक्त में जितनी जितनी तफसीरें मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह हों, मुशर्रह मिन रसूलिल्लाह हों, वो सब बेवकूफ़ साबित होती हैं. तो यहाँ सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारक की एक तफसीर, ये उसको तावील कहना चाहिए, तफसीर आरिफाना है वो, तफसीर नहीं बोलते, तावील बोलते हैं, इल्मी नुक्ता होता है वो. तो बयान फरमाते हैं अब इंसान को हमने बेहतरीन पैकर में ढाल कर पैदा किया, इसका क्या मतलब है? तो सिर्रुल असरार में हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि आलम लाहूत में इंसान की रूह को जो पैदा किया गया, जिसको अल इंसानुल हकीकी कहते हैं, यानी कि जिस्मानी दुनिया में जो जिस्म, जो रंग, जो रूप हमको दिया गया, किसी का खत छोटा, किसी का बड़ा, किसी का रंग गोरा, किसी का काला, कोई दुबला है तो कोई मोटा, कोई उसका यहाँ पे जिक्र नहीं है. मतलब वो तफसीर साबित हो गया. इसके अलावा एक मतलब उसका ये भी है, वो भी मतलब है, वो तो साबित होगा, मैं याद भी दिला दें आपको, वो बात तो होगी. उसके अलावा और एक भी उसकी तावील है, वो ये है कि अहसन तकवीम से मुराद यहाँ पर इंसान की रूह है, इंसान की रूह है, आलम लाहूत में जो इंसान की रूह थी वो है, उससे मुराद है. उसको क्या कहते हैं? इंसान की जो असल रूह है उसको क्या कहते हैं? उसको अल इंसानुल हकीकी कहते हैं. सूफिया के इस्तेलाह में उसको अल इंसान अल हकीकी कहते हैं. उसमें ना गोश्त होता है, ना खून होता है, ना उसमें हड्डियाँ होती हैं, ना चमड़ा होता है, ना बाल होते हैं, ना आंसू होते हैं, ना लुआब होता है, ना रेट होता है, ना पेशाब, ना पाखाना, ना पसीना, ना गर्मी, ना सर्दी, ना हरारत, ना बुरूदत, उसमें कुछ भी नहीं होता. वो रूह होती है इंसान की, खालिस रूह, जो आलम लाहूत की मखलूक है. और यही वो मुकाम है कि जहाँ से इंसान इंसान बनता है. आलम लाहूत का बाशिंदा होने के अतबार से
इंसान रब्बुल आलमीन का खलीफा बना, क्योंकि आलमे लाहूत में फरिश्तों का भी गुजर नहीं है। आलमे लाहूत के बाद एक दूसरा आलम है जो आलमे जबरूत मलकूत है, आलमे मलकूत है, उसके बाद आलमे नासूत है। तो दूसरे आलमों तक फरिश्तों की रसाई है, आलमे जबरूत में फरिश्तों की भी रसाई नहीं है। वहाँ या तो जलवे खुदा है या खुदा के जलवों का मजहर कामिल इंसानी हकीकी है, उसके अलावा और किसी का गुजर नहीं है। इंसान आलम लाहूती की मखलूक है, इंसान की जो रूह है, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम खुलिक़ मिन अम्रि रब्बी। ऐ हबीबे पाक आप कह दीजिए कि रूह मेरे रब के अम्र से है, आलम लाहूत की मखलूक है। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा की हकीकत यही वो रूह है। यही वजह है कि जब तक आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह दाखिल नहीं हुई थी उस वक्त तक आपको सजदा नहीं करवाया गया, रूह के दाखिल होने के बाद सजदा करवाया गया। जब तक रूह दाखिल नहीं हुई थी सजदा नहीं करवाया गया। आदम में जब तक दम ना था वो खाक थी, आदम ना था। आदम में जब तक दम ना था वो खाक थी, आदम ना था। आदम में जब के दम हुआ वो खाक से आदम हुआ, ये भेद सारा दम का है और दम उसी हमदम का है। जब उस हमदम का दम आदम के वजूद में दाखिल हुआ तो आदम मस्जूद मलाइका ठहरे, सजदे ताज़ीमी करवाया गया। जिब्राइल ने सजदा किया, मीकाइल ने सजदा किया, इज़राइल ने सजदा किया, इसराफिल ने सजदा किया, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। फसजद अल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, अल मलाइका का मतलब सब फरिश्ते। फसजद अल मलाइकतु अलिफ लाम जो आता है अरब में, जिनसे मलाइका के लिए यानी सब फरिश्तों ने सजदा कर लिया। फसजद अल मलाइकतु से साबित हो गया कि सब फरिश्तों ने सजदा कर लिया। फिर उस पर ताकीद लाई गई कुल्लुहुम, हालांकि ऐसा बोलना कोई ज़रूरी नहीं था, बोले बगैर वो माना साबित था, लेकिन ताकीद साबित करने के लिए बताया गया कि सबके सब फरिश्ते, सब फरिश्तों ने सजदा कर लिया सबके सब कुल्लुहुम। फिर उसके बाद मजीद ताकीद लाई गई अजमाउन, वो बोलना तो उसके बाद तो और ज़रूरी भी नहीं था, लेकिन फिर फरमाया गया अजमाउन तमाम के तमाम। फसजद अल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, बस सजदा किया तमाम फरिश्तों ने सबके सब ने, तमाम के तमाम ने। फरिश्ता किया सब फरिश्तों ने, तो सब आगे ना वैसे नहीं, फिर फरिश्ता सजदा किया सब फरिश्तों ने सबके सब ने तमाम के तमाम ने। इतनी ताकीद के साथ जब कुरान मजीद इस हकीकत को बयान करता है, अगर किसी थर्ड क्लास वहाबी की समझ में नहीं आता है, हज़ार मरतबा ना आए, हमने कुरान मजीद पर ईमान लाया है, किसी की समझ पर हमने ईमान नहीं लाया और किसी के बहकावे पर हमने ईमान नहीं लाया, रसूलुल्लाह की दावत पर कुरान पे हमने ईमान लाया। सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम मस्जिद मलाइका है, इस बात पर हमारा ईमान है, तमाम के तमाम फरिश्ते। मगर यहाँ पर इबादत का सजदा नहीं, ताज़ीम का सजदा है, वो सजदा इबादत का नहीं, ताज़ीम का सजदा है। फसल जदल मलाइका तो कुल्लुहुम अजमाउन। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब जो बात मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारे सरकार गौसे पाक का जो इरशाद गिरामी है कि इंसान को हमने बेहतरीन सांचे में ढाल के पैदा किया, इसका मतलब यह है कि आलम लाहूत में पैदा किया। आलम लाहूत में इंसान की जो रूह है उसका यहाँ पर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ज़िक्र फरमा रहे हैं। उसकी खूबी क्या है?